योगीराज में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र का है, जहां पर दबंगों ने चोरी के शक में 5 किसानों को बंधक बना लिया और नंगा करके उनके ऊपर जुल्म की सारी हदों को पार कर डाला। यही नहीं, दबंगों ने जबरन चोरी का कबूलनामा कराने के लिए पीड़ित किसानों के गुप्तांग में पेट्रोल डालने और मुंह में पेशाब करने का भी प्रयास किया। क्या तांत्रिक के कहने पर पिटाई की है? क्या है मामला? तांत्रिक के कहने से पिटाई किया है हमको। उनके घर में चोरी हो गई थी, वो हमको लोगों को तांत्रिक के कहने से हमको लोगों के रात में 12 बजे रात में पकड़ ले गया। एक जन मार बांध छत पर उल्ट दिया और सबको मार भी उल्ट के दिया, पेशाब भी किया मुँह में, पेट्रोल भी डाला। और जब हम लोग बेथा हो गए, जब चल नहीं पाए, तब 4 लोग टांग के नल पर ले गए, खून से सारा कपड़ा गुड़ा रहा है। तो नल पर नहवाए के बाद में चुके, जब बेहोश हो गई तब गिलासे में पता नहीं कौन दवाई लाए के डाइन मुहिमा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 4 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बराई के कैसरगंज थाना अंतर्गत लोधनपुरवा में 25 तारीख को अजय सिंह के घर पे चोरी हुई थी। चोरी के शक के आरोप में उनके और उनके साथियों के द्वारा गांव के 5 लोगों को रात में अपने घर पे बुलाया गया और पूछताछ के दौरान उनसे सख्ती की गई, उनके साथ मारपीट किया गया। इस दौरान उनको काफ़ी चोटें आईं, जिसमें से 2 लोगों को गांव पे छोड़कर के 3 लोगों को उनको इलाज के लिए जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया, ले जाया गया। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो भी चोटिल थे उनका मेडिकल कराया गया, उनका एक्सरे कराया गया और इस संबंध में तहरीर के आधार पर FIR लाज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिफ, पंजाब केसरी TV।